अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इसके कंपोनेंट्स होते हैं, देखा जाए तो ये एक हमारा फ्लैटिंग फ्लैट होता है जो कि मैट नर्सरी के लिए फैसिलिटेट करता है। इसकी जो दूरी होती है वो 22 सेंटीमीटर होती है। ये हमारे फिंगर कंट्रोलर होते हैं जिसको ये फिंगर करते हैं, रोटेट करते हैं। इस पर ये फिंगर लगे होते हैं, ये फिंगर होते हैं। इसके अलावा हमारा ये जो फ्लैटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि उस पर चलता है, जो पडल्ड सोयल होती है उसमें फ्लोट करता है, उसके ऊपर चलता है। यहाँ पे हमारा एक इंजन है, ये इंजन का कंपोनेंट है। इसकी ये बेल्ट है, ये इसमें हमारे जब इसको हम रिलीज़ करते हैं तो ये हमारी फंक्शन करती हैं, जो फिंगर्स चालू हो जाती हैं इसको रिलीज़ करने पे, ये उसको कंट्रोल करने का है कब हमें बंद करना है, कब हमें चालू करना है। ये हमारा एडजस्टमेंट है जो कि हमें अगर 12 सेंटीमीटर पे लगाना है तो हम इस पे रखते हैं पहले नंबर पे, और हमारे को 14 सेंटीमीटर सीट टू सीट लिंक डिस्टेंस रखनी है तो इसको हम 14 सेंटीमीटर पे रखते हैं। अगर हमें इसको रोड पे ले जाना है तो यह हाई गियर है। तो ये हमारा गियर सिस्टम हो गया, ये इंजन बताया ही मैंने। और ये होते हैं हमारे को, अगर ये होता है इसको एडजस्ट करने का, अगर हमारा ये फ्लोटिंग रुक गया और उसमें स्टिक हो गया तो इसको हम एडजस्ट करके और इसको निकाल सकते हैं। ये हमारे दो प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि दो पर्सन इसमें सिटिंग होते हैं जो कि मैट नर्सरी को फीड करते रहते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो इसके पैड हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैड क्या करता है कि जो मैट नर्सरी होता है उसको नीचे लाता है जैसे जैसे वो खाली हो गया, और एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है। जैसे जैसे ये जाएगा इधर ले जाएगा इसको, तो जैसे ही इधर का ख़त्म हो जाएगा पूरा मैट नर्सरी, फिर इधर इसको शुरू लाना करेगा। और इसका ये जो करता है वो उसको फ्लोट करता है नर्सरी को, जैसे ही यहाँ से गैप हो गया उसको वापस अपने एडजस्ट पर लेता आएगा। ये इसके फ्लोटिंग के वो रिजेज बनाने के लिए हैं। ये व्हील है, ये व्हील हमें रोड पे ही चलाते हैं तब काम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब ये फील्ड में चलता है तो इसको निकाल देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल नीचे रुक जाता है और उस पर फ्लोट हो जाता है। तो ये इसके मोटे मोटे वो हैं। ये फाइनल है वो हमारे को जो सीलिंग डेप्थ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। अगर हमें इसको ज़्यादा डेप्थ होती है उसको खोल देते हैं, अगर इसको हमें कम डेप्थ करनी होती है तो उसको हम ऊपर ले आते हैं जिससे कि उसकी सीलिंग डेप्थ कम हो जाती है। इसके साथ साथ ये हमें देखा होगा ये दो एडजस्टमेंट हैं। ये एडजस्टमेंट किस लिए होते हैं, अगर हमें हमारी मैट नर्सरी थोड़ी थिन है और थिक है और हमें 2 से 4 रखने हैं या 4 से 6 सीडलिंग्स पर हिल्स रखने हैं उसको एडजस्ट करने के लिए होते हैं, तो हमें अगर कम हिल रखने होते हैं तो इसको हम खोल देते हैं और इसको एडजस्ट कर देते हैं अकॉर्डिंगली, तो उससे ये वो नंबर ऑफ सीडलिंग्स है वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये इसके मोटे मोटे सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो ऐसे इसको फंक्शन करते हैं।